तो सपने में अपने मैनेजर की धुलाई करने के बाद यहाँ पे उठ चुका है कॉरपोरेट मजदूर। हाय फोक्स, लेट्स लेवल अप, सो वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो सुबह की शुरुआत बियर के साथ, अरे नहीं नहीं अल्कोहल, अरे सॉरी पानी है। तो आज की वीडियो एक व्लॉग होने वाला है। मैं ऑफिस में जाऊंगा, वहां का भी थोड़ा बहुत सीन दिखाऊंगा और उसके बाद हमारी एक टीम पार्टी है, उसमें हम लंच पे एंजॉय करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चाय चाय चाय, तो चाय बन के रेडी है और मैं भी इसे पीता हूँ। वाह भाई वाह, क्या बात है, बहुत ही कड़क। तो चलते हैं बाथरूम में नहाने नहीं, ड्राई क्लीन करके ही मैं वापस आ गया और मैंने टाइम भी और पानी भी बचा लिया। नहाऊं या नहीं, पर भाई वीडियो में एस्थेटिक लगना चाहिए। तो भाई मैं नहा के हो गया हूँ फुल रेडी और भाई हमने अपना ड्रेसअप भी पूरा ले लिया है। तो चलिए अभी ऑफिस के लिए निकलते हैं और नीचे से कोई ऑटो वगैरह बुक करते हैं। तो ये देखो यहाँ पे आ गया गुड़गांव का यू ब्लॉक, तो यहीं मैं रहता हूँ और यहाँ बारिश के बाद तो एकदम बुरा हाल हो जाता है, पानी बिल्कुल रोडों पे आ जाता है, आप देख सकते हो। और ये आ गया यहाँ पे यू ब्लॉक का सबसे फेमस स्पॉट, जो कि है यादव प्रॉपर्टीज़। मोस्टली ऑफिस कैब्स यहीं पे आती हैं। ये मैं हूँ आपका नरेटर। ये वाली रोड तो बारिश आने से इतनी ज़्यादा चमक गई है, बस मैं क्या ही बताऊँ। तो यार यहाँ पे ऑटो वाले भैया दिमाग की बत्ती जलाना चाह रहे हैं, पर गुड़गांव में आके सबकी बत्ती गुल हो जाती है। भैया ने समय के पहिए को देखते हुए अपने ऑटो का पहिया भी तेज कर दिया और स्पीड थोड़ी बढ़ा ली। तो यार ये आती है यहाँ पे गुड़गांव की सबसे फेमस आर्किटेक्चर वाली बिल्डिंग, जो कि एक शिप टाइप में बनी हुई है। ये आ गया साइबर हब का एरिया, यहाँ पे पैर रखते ही पैसे खर्च हो जाते हैं। भाई गुड़गांव हो और ट्रैफिक ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऑफिस आते है सबसे पहला काम चाय और कॉफी। ऑफिस में डेस्क से ज्यादा टाइम यहाँ पे कैफेटेरिया में बिताया जाता है। तो यार ये अपना डेस्क है और यहाँ से आता है अपना बढ़िया सा व्यू, तो भाई काम करने की कैपेसिटी 2 घंटे और बढ़ जाती है। तो भाई वेट थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए मैं सीढ़ियों का इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे अभी। तो यार आज मौसम ने भी हमारा साथ दिया है और देखो आप कितना प्यारा मौसम हो रहा है। हाँ भाई क्या करेगा, हाँ टीम लंच पे बहुत खाएंगे। हाँ हाँ भाई मेरे को भी बहुत खाना है, मैं तो पैक करा लूंगा। हे, बहुत बढ़िया। ये है ऑफिस के बाहर का एरिया जहाँ पे लोग जनरली चाय सुट्टा ब्रेक के लिए आ जाते हैं और यहाँ पे अपने मैनेजर की बुराइयाँ करते हैं। तो हम जा रहे हैं आज एब्सोल्यूट बारबेक्यूज, तो यही वाला रास्ता है जो हमें अपनी मंजिल तक पहुँचाएगा। और ये आ गया यहाँ पे साइबर सिटी वाला कट। लो भाई ये वही वाला रोड है जो बहुत सारी एड में, बहुत सारी मूवीज में या फिर वेब सीरीज में लिया जाता है। जिंदगी एक सफर है सुहाना, कल क्या हो किसने जाना। तो भाई फाइनली हम पहुंच चुके हैं एब्सोल्यूट बारबेक्यू। अपनी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है और अपनी भूख की कोई सीमा नहीं है। वाह, वो रहा एब्सोल्यूट बारबेक्यू। अभी अंदर घुसते हैं और धावा बोलते हैं। भैया पानी दो। अरे यार कब आएगा खाना, साला 1 घंटे से बिठा के रखा हुआ है भाई, क्या करें, बातें ही कर लो। तो यार अभी अंदर आ चुके हैं और थोड़ा मैं लाइव काउंटर वगैरह दिखाता हूँ। तो ऐसी कुछ सीटिंग रहेगी यहाँ पे और ये यहाँ पे लाइव काउंटर है, यहाँ पे गोलगप्पे वगैरह। ये है यहाँ पे पॉपकॉर्न, ये मत खाना भाई, ये कहीं भी मिल जाएंगे। और यहाँ पे मिल रहा है पास्ता वगैरह, तो वो भी काफी बढ़िया है। तो यार यहाँ पे आ गया मेन कोर्स जिसमें है वेज और नॉन वेज, तो भाई काफी ज्यादा वैरायटी है आगे तक है बिल्कुल। तो सबसे पहली चीज देखते हैं, ये है यहाँ पे सूप, तो ये आ गया यहाँ पे चिकन और मटन, वाह भाई वाह। तो यहाँ पे आ गया अपना पनीर और साथ में एक और सब्जी, समझ नहीं आ रहा क्या है। तो भाई ये आ गया यहाँ पे बिरयानी, मेरी फेवरेट, ओए होए होए। यहाँ पे अपना सैलेड वगैरह और वो सब। ये आ गई भाई यहाँ पे वेज बिरयानी यानी कि पुलाव, ये भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तिरंगा टाइप का बना रखा है। और ये भाई राइस है और यहाँ पे दाल मखनी है। अभी आगे बढ़ते हैं तो ये आ गया यहाँ पे पंजाबी छोले और पनीर, तो इसमें यहाँ पे कढ़ी और दाल, तो यहाँ पे अपना मंचूरियन, राइस और नूडल्स। तो भाई अंदर काम करवाई चल रही है, एक यहाँ आग लगी हुई है और एक लोगों के सीने में आग लगी हुई है। तो यहाँ पे आ गया डेजर्ट या फिर आइसक्रीम काउंटर, तो यहाँ पे मैं आपको चीज़ें दिखाता हूँ। ये आ गया अपनी चॉकलेट और ब्राउनी, और इसमें है यहाँ पे छोटे गुलाब जामुन, और यहाँ पे आ गया हलवा। अभी आपको दिख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे आइटम, अभी ये सारे अपनी प्लेट में होंगे। तो भाई ये आ गया यहाँ पे ऑक्टोपस, ये आ गया यहाँ पे स्क्विड यानी कि स्क्विड गेम, और भाई ये है क्वेल, ये भी कोई बत्तख टाइप की है। और यहाँ पे कल्चर बनी यानी कि खरगोश, और उससे आगे यहाँ पे बारबेक्यू फिश, और यहाँ पे आता है अपना बारबेक्यू चिकन। तो वेज वाली प्लेट पे ग्रीन कलर का डिजाइन है और नॉन वेज वाली प्लेट पे ब्लैक कलर का। तो जैसे ही खाना आया तो ये सपना ध्यान खाने से हटा ही नहीं पा रहा था, उसकी खुशी बिल्कुल चरम सीमा पे थी। मुझे क्यों तोड़ा?
तो ये आ गया चिकन लेग पीस और ये है यहाँ पे मसाला कोल्ड ड्रिंक। तो खाना आता जा रहा था और प्लेटों में लगता जा रहा था और ये देखो यहाँ पे प्लेट लगती हुई और ये आ गया यहाँ पे क्रिस्पी कॉर्न। तो भाई बैकअप प्लान रेडी है, अभी नई जॉब ढूंढ ली है। अब बता क्या कह रहा था, थोड़ा सा बजट कम हो गया हमारा। काम पे रख लिया, काम करना पड़ रहा है। हमारा फ्यूचर प्लान है, कॉर्पोरेट में लाइफ रहती है 45-50। और भाई इसके बाद आप क्या करोगे? प्लान हमारा फ्यूचर प्लान, तो हम यही से स्टार्ट कर रहे हैं, करना क्या है भाई। इंटरव्यू में है कि बंदा पास हुआ, एक शेफ का सिलेक्शन हो गया है। तो भाई यहाँ लाइव काउंटर वगैरह रहते हैं जहाँ पे आपको मतलब कुकिंग करने का भी मौका दिया जाए, तो वो चीज आप कर सकते हो। अभी यहाँ पे हिमांशु है और साथ में यहाँ पे विनय है, तो ये दोनों देखते हैं क्या बना के देते हैं। अरे वाह क्या बात है, अरे वाह, अबे क्या बना रहा भाई, आइसक्रीम की बारी है भाई। हाँ अरे वैसी क्या लो भाई, पहली आइसक्रीम। ओ भाई साहब जिंदगी की पहली आइसक्रीम। विनय कैसा फील हो रहा है? यस यहाँ पे रिव्यू करते हुए बढ़िया। वैसे उसने तो कुछ किया ही नहीं है, तो पहले से माल मटेरियल तैयार था। लो भाई थोड़ी सी टेस्ट करते हैं, बताओ भाई इसकी जो पक्की है नहीं यहाँ पे। हिमांशु की जलेबी देखते हैं भाई कैसा टेस्ट करती है। अंबाला की धरती की खुशबू आ रही है भाई। लो भाई ये आ गई अपनी प्लेट जिसमें मेन कोर्स, और मेन कोर्स आप मतलब कम ही खाना, उसमें आप ज्यादा फोकस मत करना क्योंकि बाकी चीजों आपको ध्यान रखना है। या कि नॉन वेज वाली यहाँ पे है, वेज वाला सामान पूरा देख सकते हो भाई। मेरे ने वो बना लिया है हिमाचली धाम। भाई इतना खा लिया अब बस सोने का मन कर रहा है, थोड़ी देर में आराम कर लेता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ एक घंटे बाद। तो भाई अभी उठा हूँ, अभी थोड़ा डेजर्ट वगैरह खाते हैं और यहाँ से चलते हैं फिर। आज तो भाई लीव लेनी पड़ेगी, चलो तो अपने मैनेजर से ही पूछते हैं। तो साहिल क्या लीव मिल पाएगी? नहीं एक्सटेंड नहीं करवा दी भाई, बाकी देखते हैं। एब्सोल्यूट बारबेक्यू में आए थे, यहाँ पे हमने स्टार्टर वगैरह सब खाया। तो भी क्या कुछ रिव्यू है यहाँ का, कैसा क्या लगा? ठीक ही था। चलो भाई स्वीट डिश आ चुकी है अपनी, प्लेटें भाई काफी सजी हुई है सबकी। लो भाई सबसे मेन पान कुल्फी। तो भाई टीम लंच हो गया है, तो अनवर भाई क्या रिव्यू है खाने का? यार मैं 8.5 आउट ऑफ 10 दूंगा। उसमें जो स्टार्टर बेस्ट था, बट जो मेनूज थे उसमें कुछ डिशेस में टेस्ट ही नहीं थे कह सकते। भाई पर वो कस्टमाइज कर देते हैं ना, कहने से बाद में किए थे, बट ऑन द स्पॉट आदमी को भूख लगी रहती है। अगर आप विदाउट बिना टेस्ट लेस लाओगे तो आदमी क्या मूड ऑफ हो जाता है, बाद में कितना भी बना के दो। वैसे सही था ना, वैरायटी वाइज देखा था, स्टार्टर बहुत अच्छा था, वैरायटी वाइज तो बहुत वैरायटी थी, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे। तो ये आपके ऊपर है क्या खाना यार, खाली पेट आओ और पेट भर खाओ दबाकर। तो भाई टीम लंच हो चुका है डन, यहाँ पे आ गया बहुत ज्यादा मजा। अभी जा रहे हैं ऑफिस में और बाकी ब्लॉग आगे दिखाते हैं आपको। तो भाई पहुंच गए ऑफिस, अभी चलते हैं अंदर और काम करते हैं भाई। तो भाई बैक टू बेसिक्स, अभी अपने डेस्क पे आ चुके हैं, अभी थोड़ा काम वगैरह करते हैं और फिर थोड़ा घंटे डेढ़ घंटे बाद ब्रेक लेंगे। यहाँ पे खाना वगैरह लगता है भाई। तो भाई अभी निकलने का टाइम हो गया है, अभी अपनी कैब पकड़ते हैं और घर के लिए निकलते हैं। केरलोन पार्किंग। तो भाई अभी आ चुके हैं ऑफिस से वापस, तो अभी मेरा ऑफिस वैसे बचा हुआ है, मेरा ऑफिस रात के 11 बजे तक रहता है, दोपहर के 2 से रात के 11, तो अभी मैं थोड़ा काम करता हूँ। तो यार दोस्तों ये था आज का अपना दिन, तो आज हम मतलब ऑफिस गए, वहाँ पे टीम लंच किया और वही टीम लंच में तो जो मज़ा आया बस मैं क्या ही बताऊँ। वहाँ पे हमने काफ़ी ज़्यादा फन किया, अच्छे खासे जोक्स वगैरह क्रैक किए और वैसे खाने में भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। फिर ऑफिस जाके काम वगैरह निपटाया और अभी मैं अपने रूम पर आ चुका हूँ।
तो ये था आज का अपना दिन। तो आपने आज देखा कि कॉरपोरेट लंच पार्टी कैसी क्या रहती है। तो हम तो वैसे नॉर्मली मतलब नॉन अल्कोहलिक ही करते हैं। तो यार ये थी आज की अपनी वीडियो। आशा करता हूँ कि आज की वीडियो ने भी आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू तो जरूर ऐड की होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या फिर क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम या फिर लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हैं। तो खुद को बेहतर बनाने के लिए सब्सक्राइब करें।